आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज अब से थोड़ी देर में राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले कल हुई सुनवाई में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ईडी की रिमांड का आखिरी दिन, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल आखिरी दिन है और 28 तारीख तक ही उनको रिमांड पर भेजा गया था। आज कुछ देर के बाद ही अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो लोग हैं वो कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेंगे। और ईडी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसको दोबारा से लेने की वो अदालत में अपील करें। उसका कारण यह है कि ईडी के लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ना तो ईडी के सवालों के ठीक तरीके से जवाब दे रहे हैं, ना ही जांच में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने मोबाइल के पासवर्ड का भी बताना वो उचित नहीं समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको पासवर्ड नहीं मालूम है। यही कारण है कि ईडी का कहना है कि कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो कड़ी हैं इस शराब नीति घोटाले की, कि जो साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ की जो रकम आई थी, अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो रकम किस किस तरीके से गोवा के इलेक्शन में यूज़ की गई थी। एक नया अपडेट ये भी दे दूं कि गोवा में जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी ईडी ने तलब किया था और वो पणजी स्थित ईडी के कार्यालय पहुंच गए। वहां पर ईडी की जो टीम है उनसे पूछताछ कर रही है। तो अब 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर कहें तो उनकी तरफ से दलील होगी कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो गैरकानूनी है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की दलील उन्होंने हाईकोर्ट में भी पेश करी थी और अपने वकीलों के माध्यम से ये कहा था कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन हाईकोर्ट में भी किसी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। अब देखना होगा कि ईडी अपना पक्ष किस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट में रखती है, क्या अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो दोबारा से मांगती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की बात करती है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल की रिमांड दोबारा से मांगेंगे ताकि इस जांच में उन सवालों के जवाब निकाले जा सकें जिन सवालों पर अरविंद केजरीवाल अभी भी चुप हैं। रमा, बिल्कुल, रिमांड की अवधि बढ़ाने के ईडी जो है किस तरह की दलील दे सकती है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल का भी कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा कर सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे, अगर उन्हें यही खुलासे करने थे तो 9 सम्मन ईडी ने भेजे थे, उन सम्मनों पर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते और वो बता देते कि उनके पास किस तरह के खुलासे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 9 सम्मनों को गैर कानूनी सम्मन कहा और यही कारण है कि 10वें सम्मन पर जब ईडी के लोग पहुंचे तो उनको गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उस समय भी वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो कितना बड़ा खुलासा करेंगे ये तो कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में गए, अदालत का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि उनको ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, कई सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के पास हैं, कई सारे तथ्य अरविंद केजरीवाल के पास हैं और ईडी इन तथ्यों को मैं सबूत के साथ अदालत के सामने रख चुकी है। वो बता चुकी है कि किस तरीके से के कविता इस पूरी डील में इन्वॉल्व हुई, के कविता को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जो के कविता के बुच्ची बाबू जो अकाउंटेंट थे उनके थ्रू ईडी को ये पता लगा कि साउथ लॉबी किस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब नीति में लाइसेंस प्राप्त कर रही थी और उसके एवज में 10 करोड़ की रकम दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू जो इंडो स्प्रिस्ट के माले में मालिक हैं, विजय नायर के थ्रू बातचीत होती है और विजय नायर के थ्रू अरविंद केजरीवाल इंडो स्प्रिस्ट के मालिक से कहते हैं कि वो इस डील में शामिल हो जाइए। तो ये तमाम तथ्य ईडी के पास मौजूद हैं। 100 करोड़ की जो रकम आई है उसकी ट्रेल किस तरीके से गोवा तक पहुंची वो तमाम जानकारी ईडी के पास मौजूद है। किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक
12-13 फोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि सबूत मिटा सके। तो ये तमाम जानकारी ईडी के पास मौजूद है और इन्हीं तथ्यों को ईडी अदालत में सामने रखेगी और ये कहेगी कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी को नहीं दे रहे। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे किस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से कोई राहत मिल नहीं पा रही है। अब जो लगातार साउथ कनेक्शन की बात है, जिस तरह से ये मामला जो पेचीदगियाँ हैं इसकी और उलझता जा रहा है, उसको देखते हुए क्या कुछ और आगे का प्रोसेस ये भी तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद पर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, बिल्कुल तय करेगा। और आप देखें कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तो उनको भी उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले सत्यन जैन को गिरफ्तार किया, उनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं रमा कि जो संवैधानिक ढांचे में फिट नहीं बैठते। आप देखिए कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनको कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ती है, क्या कैबिनेट की बैठक तिहाड़ जेल के अंदर होगी? ये संभव ही नहीं है। इसके अलावा कई सारी फाइलों पर मुख्यमंत्री को साइन करने होते हैं और उन फाइलों को उपराज्यपाल के पास भेजना होता है ताकि दिल्ली के जो कामकाज हैं वो चलते रहें, लेकिन क्या वो फाइलों पर साइन कर सकते हैं तिहाड़ जेल के अंदर, या फाइलें उनके पास पहुंच सकती हैं? तो ये एक कह सकते हैं कि असंभव सी परिकल्पना है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक जो अपना इस्तीफा है मुख्यमंत्री पद से नहीं देते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नैतिक आधार पर अगर हम देखें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने उन्होंने इस्तीफा दिया, सत्यन जैन ने उन्होंने इस्तीफा दिया। जेल में रह के आप कैसे सरकार चला सकते हैं, ये करीब करीब असंभव सा प्रश्न है। बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं, आप नज़र बनाए रखें नीरज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।